हिमाचल पुलिस भी अब विकसित देशों की पुलिस पेट्रोलिंग की तर्ज पर चेकिंग के दौरान होने वाली घटनाओं को कैमरे में कैद करेगी, ताकि न केवल पुलिस कर्मियों के साथ होने वाली बदतमीजी और घटनाएं, आम जनता द्वारा पुलिस कर्मियों पर लगाए जाने वाले आरोपों की सही जांच की जा सके। पुलिस विभाग ने अब चेकिंग के समय बॉडी वॉर्न कैमरे लगाना शुरू कर दिया। इन कैमरों के माध्यम से दूर दराज क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस कर्मी की हर गतिविधि कंट्रोल रूम के माध्यम से भी नजर रहेगी। हिमाचल पुलिस भी अब विकसित देशों की पुलिस पेट्रोलिंग की तर्ज पर अब चेकिंग के दौरान होने वाली घटनाओं को कैमरे में कैद करेगी, ताकि न केवल पुलिस कर्मियों के साथ होने वाली बदतमीजी की घटनाओं और आम जनता द्वारा पुलिस कर्मियों पर लगाए जाने वाले आरोपों की सही जांच की जा सके। पुलिस विभाग ने अब चेकिंग के समय बॉडी वॉर्न कैमरा लगाना शुरू कर दिया है। इस कैमरे के माध्यम से अब दूरदराज क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मी की हर गतिविधि पर कंट्रोल रूम के माध्यम से भी नजर रहेगी। हमीरपुर पुलिस के साथ बदतमीजी करना अब लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि चालान प्रक्रिया के दौरान और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करवाने के लिए कई बार ट्रैफिक कर्मियों को लोगों के कोप का भाजन बनना पड़ता था, तो गलती वाहन चालक की होने के बावजूद भी पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन अब पुलिस के पास 40 बॉडी वॉर्न कैमरा पहुंच गए हैं, जिन्हें लगाकर हर वक्त ट्रैफिक कर्मी पैनी नजर रखेगा। एसपी हमीरपुर अजित सेन ने बताया कि बार बार पुलिस के साथ हो रही बदतमीजी के चलते अब पुलिस ट्रैफिक का जिम्मा संभाले हुए जवानों को बॉडी वॉर्न कैमरा लगाए गए हैं, जिनका कंट्रोल पुलिस हेडक्वार्टर पर रहेगा और हर समय उस पर नजर रखी जाएगी। बॉडी वॉर्न कैमराज जो है वो पुलिस मुख्यालय से हमको कुछ मिले हैं, कुछ हमने ऑलरेडी खरीद चुके थे जिनका हम यूज़ करते हैं। ये ट्रैफिक के लिए खासकर हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लोग पुलिस वालों के साथ बहस करते हैं ट्रैफिक चलानों के दौरान या ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के दौरान, तो उसमें ताकि ये क्लियर हो सके कि रोल किसका कैसा रहा, पुलिस की गलती है तो पुलिस की, या आम जनता की, या किसी व्यक्ति विशेष का कोई एलिगेशन है अगर पुलिस के खिलाफ, तो वो चीज़ क्लियर करने के लिए बॉडी वॉर्न कैमराज जो हैं पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने एक और हमको सुविधा प्रदान की है, वो ई चलानिंग के लिए हमको फोन्स भी प्रोवाइड किए हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं थाना चौकियों में और ट्रैफिक वालों के पास, जिसके माध्यम से आप चलानिंग के लिए रिसीट बुक्स और ऑनलाइन पेमेंट रिसीट बुक्स की जगह ई चलान होगा और आपको ऑटोमेटिकली एक SMS आ जाएगा जिसने भी जिसका भी चलान हुआ है, और उसकी पेमेंट भी वो ऑनलाइन कर सकते हैं। बॉडी वॉर्न कैमरा की टेक्नोलॉजी हर जगह हर विकसित देशों में यूज़ होती है, खासकर इंग्लैंड में, और वहाँ पे इंग्लैंड की पुलिस जो है अक्सर ये बॉडी वॉर्न कैमराज खासकर कॉन्स्टेबल्स के पास देती है। उसी तरह से हमारे भी यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया है, और हमें उम्मीद है कि इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में और बढ़ोतरी हो। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।